हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे मैंगो रवा केक, जिसके लिए हम एक जार लेंगे। उसमें हम एक कप सूजी ऐड करेंगे यानी रवा, और हम हाफ कप शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्सचर जार में ब्लेंड कर लेंगे। अब हम नीचे एक बाउल रख के, ऊपर स्ट्रेनर रख के अपने मिक्सर को, ड्राई मिक्सर को इसको इसमें अच्छे से स्ट्रेन करेंगे, बिल्कुल ऐसे, ताकि ये बिल्कुल लाइट हो जाए और इससे हमारा केक बहुत अच्छा बने। हमारा ड्राई मिक्सर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने मैंगोज ऐड करेंगे। मैंने अल्फांसो लिया है ये, और ये बिल्कुल पका हुआ और बिल्कुल मीठा है। आप भी बिल्कुल पका हुआ और मीठा ही आम यूज़ करें। आप अल्फांसो के जगह कोई भी आम यूज़ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा पका हुआ रहे और मीठा रहे। इससे केक में कलर और टेक्सचर दोनों अच्छा आता है, और शुगर भी कम यूज़ करनी पड़ती है। हम हाफ कप मैंगो भी ऐड करेंगे इसमें। अब हम एक मिक्सचर जार में मैंगो को डालेंगे और अच्छे से इसका फाइन प्योरे बनाएंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी चंक्स ना रहे। अब हम अपने प्योरे को ड्राई मिक्सचर में ऐड करेंगे, और जो प्योरे मिक्सचर जार में लगा रहे उससे कोई इश्यू नहीं है। आप इसमें, हमें इसमें अभी हाफ कप मिल्क ऐड करना है, वो हम डायरेक्टली मिक्सर जार में डाल देंगे। आप बिल्कुल फुल फैट क्रीम वाला ही मिल्क ऐड कीजिएगा, इससे टेक्सचर अच्छा आता है और टेस्ट भी। अब हम इसे मिक्सचर जार में डालेंगे और वापस से ब्लेंड करेंगे। अब हम इसे भी अपने ड्राई मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें अपना केसर वाला दूध ऐड करेंगे। मैंने 2-3 स्पून ऑलरेडी बाहर निकाल रखा था। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करके एटलीस्ट 1 आवर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। आप चाहो तो 1.5 आवर के लिए भी रख सकते हो, बट एटलीस्ट 1 आवर आप ज़रूर रखना। इससे रवा बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा और केक अच्छा बनेगा। आफ्टर 1 आवर ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है और हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें मेल्टेड बटर ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। अब हम इसमें अपनी टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे, जिसे मैंने ऑलरेडी कोट कर रखा था नॉर्मल फ्लावर में, ताकि जब हम इसे मिक्सचर में पोर करें तो ये बिल्कुल नीचे ना बैठे, ये बिल्कुल अच्छे से पूरे केक में रहे। और हम इसमें आलमंड्स और वॉलनट भी ऐड कर रहे हैं। आप अपने चॉइस से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और हम इसे अच्छे से अब मिक्स करेंगे, हम इसे कट और फोल्ड करना है। नाउ वी आर एडिंग 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, हम सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज करेंगे।
अब हम इसे वापस अच्छे से मिलाएंगे, कट एंड फोल्ड। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस सारा मिक्सचर अच्छे से मिल जाए उतना ही। अब मैंने एक टिन को वीट फ्लावर से कोट करके रखा था, अब मैं इसमें बेकिंग पेपर डाल रही हूँ। अब हम इसमें अपना केक का मिक्सचर पोर करेंगे। सिलिकॉन वाले फ्लैट स्पैचुला से हम अपने पूरे मिक्सचर को इजीली पोर कर पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है बेकिंग के लिए। इसे अच्छे से टैप करके 180 डिग्री सेल्सियस पे 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। आप चाहो तो ऊपर से और भी थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, इससे केक अच्छा भी दिखता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो आप, टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हो। मुझे पर्सनली टूटी फ्रूटी का टेस्ट काफ़ी पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ। अब हम इसे बेक करेंगे। देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है। हमें इसे निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब हमारा केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसके लिए हम अच्छे से इसे मोल्ड से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हो हमारा केक बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। जब भी आप केक को माइक्रोवेव से बाहर निकालो, एक टूथपिक डाल के जरूर चेक करना कि वो बिल्कुल अच्छे से कुक है या नहीं, और नहीं है तो आप उसे वापस 5-10 मिनट्स के लिए वापस बेक कर सकते हो। बट यहाँ 40 मिनट्स में ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, जैसा आपने आप देख ही रहे हो। अब हम इसे आपको काट के भी दिखाएंगे। देखिए कितनी इजीली और कितने अच्छे से कट रहा है। देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक, एकदम स्पंजी बनी है। Thanks for watching. Like, share, subscribe.